इस खबर को छापा। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं, शेष 3 चरणों की वोटिंग बाकी है। सभी दलों की ओर से जोर तरीके से यानी कि पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले लखनऊ में इंडिया गठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा करते हुए कहा गया कि मोदी सरकार की विदाई तय है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की ओर से केंद्र में सरकार बनेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बड़ी बातें कही। हम गरीबों को 5 किलो की जगह 10 किलो राशन मुफ्त में देंगे। बिल्कुल, देखिए अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। साफ कहा गया हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे 10 किलो मुफ्त राशन। मल्लिका अर्जुन खड़गे की ओर से ये बयान दिया गया है। देखिए यहाँ जिक्र इंडिया अलायंस का हो रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी पहले से ही भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें मुफ्त राशन वितरित कर रही है, और ऐसे में इसी बीच विपक्ष की ओर से कहा गया कि हम 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ा जा रहा है चुनाव, ये भी बात विपक्ष की ओर से कही गई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। देखिए इस खबर को अमर उजाला ने भी तरजीह दी है, और देखिए दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। सरकार बनने पर गरीबों को हर महीने दिया जाएगा 10 किलो मुफ्त अनाज। 4 जून के बाद पीएम नहीं बनेंगे मोदी, शेयर किया वीडियो, फर्जी वीडियो का भी जिक्र कर दिया। देखिए यहाँ पर भाजपा जीती तो एक बार फिर से वही बात आपको याद होगी जिसमें कहा जा रहा है कि संविधान बदला जाएगा। ये राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोट किया, उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर में बात कही राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा तो फिलहाल नष्ट करना चाहती है। इस बीच देखिए चूंकि सरकार बनने पर 10 किलो को मुफ्त अनाज की बात कही जा रही है, यानी कि देखा जाए वही फ्री बिज का जो सिस्टम है वह कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है INDIA गठबंधन है वह भी अपनाना चाहती है। अच्छा मजे की बात पूजा ये है कि तमाम जो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, इसमें कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगी आपको उनका मैनिफेस्टो अलग नजर आएगा। आप यदि आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जाएंगे, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आपको अलग नजर आएगा। इसके बाद अब हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो दिल्ली में जारी हुआ, उन्होंने भी तमाम फ्री बिज की बात की, उन्होंने कहा पूरे देश में हम बिजली मुफ्त दे देंगे। तो आप समझिए कि ये जो मैनिफेस्टो निकाले जा रहे हैं इन मैनिफेस्टो का क्या आधार है, क्या सिर्फ आपका बड़बोलापन है, या फिर आप ये समझाइए कि यदि मान लीजिए कि आप INDIA गठबंधन सरकार में आता है तो किस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे आप, ये भी तो बता दीजिए जनता को। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 किलो अनाज मुफ्त देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ना केवल इससे लोकतंत्र बचेगा बल्कि संविधान बदलने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उस पर भी रोक लगेगी। साथ ही देखिए कई बार जिक्र किया जाता है विपक्ष की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA ये चाहती है एक चुनाव एक नेता, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि यूपी में लगातार जो कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से, वो हर संभव कोशिश सफल हो। और वाकई देखिए दीपिका ये बड़ा सवाल है कि अलग अलग पार्टियां यानी कि 28 दल जब इंडिया अलायंस का हिस्सा है, सबका अपना मैनिफेस्टो है, तो आखिर इतने मैनिफेस्टो में से कौन सा मैनिफेस्टो मजबूत नजर आता है और क्या उसे लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ी होंगी। ये चुनौतियां बहुत कम नहीं है कि पूजा, चुनौती बहुत बड़ी है। पहली बात तो ये कि आप फ्री बिज की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, और अखिलेश यादव की बात देख लीजिए। देखिए अब अखिलेश यादव का बयान भी सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी तमाम बड़ी बातें कही हैं। गठबंधन एक है, विचार अनेक है, INDIA भले ही एक हो लेकिन एक ही मुद्दे पर गठबंधन के नेताओं के विचार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ भी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी लगभग सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में होने वाली है। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद रहता है वो यही है कि हम यानी कि तमाम जो INDIA गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, वो एकजुट है, वो एक साथ है, ये इस बात की तस्दीक तो फिलहाल करती नजर आती है। देखिए और अखिलेश यादव ने तो 80 में से 79 सीटें जीतने का भी दावा कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन जो है वो 79 यानी 79 सीटें जीतेंगी और 10 साल में दिल्ली और 7 साल में यूपी की बीजेपी सरकार के